जी हाँ मित्रों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो आने वाली रेलवे फार्मासिस्ट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी नॉन फार्मा को लेकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहाँ आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर सायर एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। ये एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि स्पेशली हम रेलवे फार्मासिस्ट की एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं सर नॉन फार्मा की क्या कुछ कंप्लीट स्ट्रेटजी रहने वाली है। जी हाँ, स्पेशली ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बात करते हैं कि सर जीके में तो क्या ही पढ़ना है, जीके में तो सब कुछ आता है। जी हाँ, अगर ये सोचा तो कभी भी आप किसी भी जीके के किसी भी एग्जामिनेशन को कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। आपको जीके को भी इतना सिस्टमेटिक वे से फ्रेगमेंट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा जिससे किसी भी एग्जाम में हर कोई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप जीके का अटेंड कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड में इधर तरफ मिल जाएगा जिसमें कि कंप्लीटली हमने जीके के बारे में बात की थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिस्टमेटिक वे से हमने बताया कि सर जीके को कैसे पढ़ना है, और इसी हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूं सर जनरल इंटेलिजेंस को कैसे पढ़ना है। क्योंकि अक्सर काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जनरल इंटेलिजेंस में तो बहुत कुछ सिलेबस है, इसको कैसे हम कवर कर पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो दावा है मेरा कि इस सब्जेक्ट में, जनरल इंटेलिजेंस में आने वाले किसी भी फार्मासिस्ट के नॉन फार्मा को आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे अगर इसको कंप्लीट पूरा सुन पाएंगे, चाहे वो रेलवे हो कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। सबसे पहले हम लेके चलेंगे सर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को। और सर ये एग्जामिनेशन पैटर्न, जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं सर, पुराना कोई एग्जामिनेशन कब हुआ और उसका पैटर्न क्या था, उसी को रेफरेंस मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से लगभग हम सभी जानते हैं 70-30 का रेशियो रहता है सर। यहां पे जनरल अवेयरनेस के बारे में हम बात कर ली थी, आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस, आने वाले समय में अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। हमारा मेन मोटो है सर फार्मेसी के साथ साथ अभी से हमें इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए नॉन फार्मा को कैसे सिस्टमैटिक वे से प्रॉपर वे में प्लान करना है। और जिन स्टूडेंट ने वो जीके वाला वीडियो देखा है वो सभी समझ गए हैं कि सर इतना सिस्टमैटिक वे से अगर हम पढ़िएगा तो डेफिनेटली आप सारे सवाल अटेंड करेंगे। क्योंकि अक्सर यही सुनने को मिलता है जीके तो बहुत ही बड़ी है। ऐसा नहीं है भैया, अगर आप किसी पहाड़ को एक साथ देखेंगे तो आप कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे, आपको सिस्टमैटिक वे से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हम ये चढ़ेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ऐसे सिस्टमैटिक वे से स्टडी करनी पड़ेगी तभी सब कुछ काम आने वाला है। चलिए, बात आती है सर जनरल इंटेलिजेंस को कैसे करना है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं सर जनरल इंटेलिजेंस तो है जो किसी भी फार्मेसी या नॉन फार्मा किसी भी में भी हर जो सब्जेक्ट जहां पे जनरल इंटेलिजेंस जीके आती है उन सभी में देखा जाता है। और यहां पे मोटे तौर पे इसको दो भागों में बांटा जाता है सर, पहला है वर्बल रीजनिंग और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब हम सभी फार्मेसी पढ़ने वाले, हमें इतना डिटेल में पता नहीं होता, जो स्टूडेंट नॉन फार्मा की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो एसएससी की, उन सभी को बहुत ही इजी में पता है कि सर यहां पे हम बात कर सकते हैं जितने भी आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जहां पे ये आपके देखिए यहां पे क्या आ रहा है कि सर एक कोई पेपर है जिसको हमने फोल्ड कर दिया है, यहां पे ये आकृति बना दी है, इसकी नेक्स्ट आकृति जो है वो क्या होने वाली है। तो मतलब सर पेपर फोल्डिंग, ऐसे बॉक्स वाइज इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर, नॉन वर्बल टाइप के ये क्वेश्चन है, यहां पे इनको हम नॉन वर्बल बोलेंगे। बट यहां पे अगर आप सीरीज वाइज देखेंगे, परसेंटेज के इस हिसाब से क्वेश्चन होंगे, डिस्टेंस वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे, वो सभी कैटेगरी आपकी किस में आती है सर, ये सभी कैटेगरी हमारी जो है वर्बल रीजनिंग में आती है। यहां तक हमें मोटे तौर पे पता चल गया वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं सर कि यहां पे वर्बल रीजनिंग को भी हमने तीन भागों में बांटा है सर, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी, अब बात आती है सर यहां पे जनरल एबिलिटी का मतलब क्या है। जनरल एबिलिटी का मतलब क्या है सिस्टमैटिक वे से कि सर जितने भी हमारे इनमें से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, है ना, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है सर, इसका काका बाबा इसके क्या कुछ लगता है, ये किस हिसाब से करना है। तो यहां पे सिंपल सा आपको देखना है, ब्लड रिलेशन आपको टॉपिक लिख लेना है, इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। आप जो है शुरुआत के दिनों में रोज इसके 10 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, दावा है मेरा एक महीने बाद आपका ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आने वाले समय में कोई भी फार्मा एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, सभी फार्मा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब दावा है मेरा कि आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि ये सारे इंटेलिजेंस वाले जितने भी एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं ये सब ट्रिक से चलते हैं, मतलब आपको बॉक्स वाइज बनाने हैं, ए बी के क्या लगता है, बी सी के क्या लगता है, और सिस्टमेटिक वे से जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसा आपको पुट कर लेना है, फाइनली आपको तुरंत ही आंसर जो है मिल जाना है।
ठीक है जी। तो ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरल एबिलिटीज है। नेक्स्ट कोडिंग डीकोडिंग हो गया आपका, नंबरिंग लिखी हुई है उसको डीकोड करना, ये हो गया। सीरीज हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया 5, 6, 7, 8, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नंबरिंग रैंकिंग जो है वो उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई डेट पूछ ली जाती है, क्लॉक वाइज क्वेश्चन आते हैं, क्यूब के क्वेश्चन आते हैं और डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, भैया ये यहां पे खड़ा है उत्तर दिशा में, इस दिशा में, इस मुंह करके खड़ा है, वो कितना इससे दूर रहेगा, ठीक है जी। तो मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे जनरल एबिलिटी में से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे मैं आपको बताया, एक टॉपिक लीजिए उसको सिस्टमेटिक वे से समझ लीजिए, अब ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आपको डेफिनेटली महीने भर में सारा सब कुछ ये टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं मोस्टली सभी क्वेश्चन जो है जनरल एबिलिटी के इन्हीं टॉपिक से आते हैं, इनसे बाहर कोई कुछ जाने वाला है नहीं। ये आप देख लीजिए पुराने सारे पेपर। और उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मित्रों, इतना सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही सिस्टमेटिक वे से सभी फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट हो, सभी फार्मासिस्ट के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप आने वाले एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक वे से हमने उसको प्रोवाइड कराया है। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, सभी के लिए आप जो है उसको देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, इतना सिस्टमेटिक वे से पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है सर यहां पे लॉजिकल रीजनिंग में, सर स्टेटमेंट और अजम्पशन, मतलब कथन और कारण, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कथन कारण से रिलेट करता है नहीं करता, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिस हिसाब से हम मैं बता रहा हूं पुराना पैटर्न को देखते हुए। नेक्स्ट सर एनालिटिकल रीजनिंग में, तो पजल्ट के क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी आते हैं और मशीन इनपुट के आते हैं, मोस्टली पजल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस हिसाब से आपका पेपर जो है वो सेट होता है। तो मेन अगर हम देखेंगे जनरल एबिलिटी की मैं बात करूं, यहाँ पे वर्बल रीजनिंग में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि ये सारे टॉपिक आप देख लेना भैया, क्योंकि ये सभी नॉन फार्मा में कॉमन टॉपिक है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना, मेरा डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ इन्हीं से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सर नॉन वर्बल, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई फिगर बना हुआ है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है, सर ये मिरर इमेज जो है वो किस हिसाब से बनेगी, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ये ट्रायंगल आ गया, इसमें कितने ट्रायंगल है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं सर, पेपर कटिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, भाई ये पेपर है इसको मैंने यहां से कट लगाया, अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया, फिर यहां से कट लगाया तो आगे किस हिसाब से रहेगा, ये भी सारे सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका नॉन वर्बल हो गया, और वर्बल वाला पोर्शन के बारे में हमने अभी बात कर ली। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, देखिए कैसे कुछ प्रिपरेशन करना है, तैयारी जीत की कैसे करनी है, क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है वो आने वाले समय में आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आज से ही इसको लेकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेंगे, तो दावा है मेरा आप लोगों के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चीज़ें रहने वाली है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में टाइम लगता है, आज से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ा 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 करके फाइनल एग्जाम तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तभी आप आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कंपटीशन हाई होता है, और चाहे पिछले साल वाला पैटर्न रहे नहीं रहे, ये हम सभी जानते हैं 70-30 का रेशियो रहता ही रहता है, मतलब जो नॉन फार्मा है स्पेशली जीके जनरल इंटेलिजेंस तो आने ही आने वाली है, तो ये हमारी मेहनत खराब नहीं जाने वाली है। तो इसको इतना सिस्टमेटिक वे से हमने पढ़ना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं नॉन फार्मा तो आएगी ही आएगी, ऐसे सिस्टमेटिक वे से पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपको कवर हो जाएगा। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं भैया, उन्हीं को लेकर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि ये पुराने पेपर को देखते हुए मैंने सिस्टमेटिक वे से बनाया है। आप सभी जानते हैं मित्रों कि जो मेरी 4 साल की मेहनत है, और हाँ इन सभी 7 से 8 मिनट के वीडियोस में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी रिसर्च लगती है, प्रॉपर वे में आपको एक डेडिकेशन से वीडियो बनाना पड़ता है, तो ये सभी आपको कैसा लग रहा है हमारा काम, तो ज़रूर शेयर लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, क्योंकि आपका 1 लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इस एनर्जी से आपको वीडियो डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन करें, और क्या राय है आपकी कमेंट ज़रूर में बताएं, और आने वाले वीडियोस में किस पे हम और भी टॉपिक वाइज जो है आप बता सकते हैं किस पे हमने बात करनी है। और हाँ, जो जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है,
तो जिसको पढ़ना है अच्छे से तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, और आने वाले समय में हम जनरल एबिलिटी के बारे में भी बात कर लेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे आप स्क्रीन शॉट ले लेना, सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को फ्रेगमेंट करते हुए हमने पढ़ लिया है। और किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के एंड में इधर की तरह मिल जाएगा, उसको भी चेक कर लेना, क्योंकि चीज़ें जो है वो कनेक्ट होती हुई आपके सामने आ रही है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।